इंस्पेक्शन चल रही है यहाँ पे। गाड़ी के इंस्पेक्शन होने के बाद ये हम गाड़ी यहीं पे छोड़ रहे हैं और ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया यहाँ पे। और भाई चलान का प्राइस दिखाते हैं यहाँ पे, बहुत मस्त मस्त सी बाइक रखी है हमारे प्रिंस भाई ने, तो प्रिंस भाई सबके प्राइस बताएंगे। आते हैं हमारे इतने चलान कटे ना, मतलब चलानों की लाइन लग गई है। पिछली वीडियो में जो पहला कमेंट किया वो किया है वन शॉट गेमिंग ने, और जो सेकंड कमेंट किया वो किया मुदसर राही ने, और जो थर्ड कमेंट किया वो किया है निंजा ओम ने। तो सॉरी यार इतना डिले हो गया कि दो दिन में व्लॉग नहीं डाल पाया। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इब्रार व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अभी खाता हूँ, अभी कहाँ पे हम देख पा रहे हो कहाँ पे हम हमें लखनपुर में हम यहाँ पे आए पल्ले खाने के लिए स्पेशल रात को। टाइम हो रहा 4:55, मतलब 5 हो रहे टाइम, और अभी हम आए जम्मू से स्पेशली लखनपुर आए हम पल्ले खाने के लिए। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक देखो क्या इसमें भाई, ये देखो भाई सबके हेलमेट, दीज आर सम लगेज, मेरी हेलमेट है, मजा आने वाला है। काफी दिन के पल्ले खा लो गाइस, लखनपुर के पल्ले आगे लखनपुर में पल्ले खा लो, और बताओ ना काफी मजा आने वाला आज अगले कुछ दिनों के लिए। ये देखो भाई पहले आगे खा रहा है, सबसे पहले मैं छोटा सबसे नो आता है ये आगे भाई सुबह सुबह मॉर्निंग के पल्ले। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं इनके साथ, क्योंकि आगे कहाँ पे कुछ खाएंगे कोई पता नहीं है। अभी लगभग टाइम हो रहा है 2:40, और अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली करोल बाग, मेन करोल बाग में। अभी हम यहाँ पे होटल कर रहे हैं, तो होटल करेंगे, थोड़ा सा सो जाएंगे, सोने के बाद ही देखेंगे क्या रहता है सिचुएशन, कि हम जा पाएंगे कहीं, बाइक चेक करनी है, बाइक देखनी है एक दो। और भाई एक बात बता दूँ ना, दिल्ली आते हैं हमारे इतने चलान कटे ना, मतलब चलानों की लाइन लग गई हमारी। पहले हमारा चलान कटा ओवर स्पीडिंग का, ओवर स्पीडिंग का थी यहाँ पे 90 की लिमिट थी और हम 104 पे चल रहे थे पहले, वो चलान कट गया। दूसरा चलान हमारा कटा, किसी ने भी नहीं पहना था भाई, एक बंदे ने मास्क नहीं पहना था, तो उसका भी हमारा चलान कट गया। तो ये रहा होटल रूम हमारा, तो फाइनली होटल में पहुंच गए हैं, तो गिरने का मन ना खाली भाई। अभी टाइम हो रहा है 10:30, और भाई से सच बताऊँ ना अभी तक हम सोए हुए थे, और अभी जाके थोड़ी देर पहले उठे हम। तो ये देखो भाई खाना पीना यहाँ पे ना गंदगी पूरा हो रखी है यहाँ पे। ओ भाई अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और वो पीछे बंदा देख रहे हो वो रो रहा है, पता क्यों रो रहा है, रो क्यों रहा है, मेरे 20 के नहीं हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जाओ आफू कोहली व्लॉग्स को जाके अनसब्सक्राइब करो, नहीं है जाके सब्सक्राइब करो, और जितना प्यार हो उसे दिखाओ, और मेरे चैनल पे भी दिखाओ यार। क्या बात है, ये चांदनी चौक गया जोगिंदर, तेरी मैं बजा दूंगा। जल्दी से डिस सुन लिया किसी भाई का, तो इनको झटके आ रहे तब से। तो अभी हम होटल के बाहर आए थे, लेकिन ना होटल के बाहर आता ही कुछ नज़ारा ऐसा है कि सारी मार्केट बंद है, मार्केट तो पूरी बंद है यार। हमको तो लगा था नाइट लाइफ काफी अच्छी होगी। अबू भाई यहाँ पे बंद है भाई सब कुछ, हम तो खाना खाने निकले थे, चारों तरफ सब बंद है भाई। तो भाई कुछ मिला ना मिला, फ्रूट ले लिया, दुकानें सारी बंद है, पूरी शिल्लू गैंग ये, चलो कुछ ना मिला सही तो फ्रूट ही ले लिया हमने यार। भाई अभी निकलते हैं ना होटल पे वापस, एक एक ये ले लिया हमने और थोड़ा बहुत फ्रूट्स ले लिए हैं। अब से मास्क पहनना बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा फटके कट चुके हमारे। सुबह के बज रहे हैं 10, और अभी हम जस्ट उठे हैं, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो भाई अपने विंटर लोग यहाँ पे हैं और आधे दूसरे रूम में हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ सेक्टर में, हमने जो क्रूज है वो सर्विस लिखा लगानी है, सुबह निकाल रहे हैं, तो 440 रुपए पार्किंग। लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए भाई हमको ढूंढने में, क्या देख रहे हो पीछे ये RN78 का, चुने ऑथोराइज सर्विस सेंटर में गाड़ी लगानी थी। तो भाई एट द एंड आके इतना मतलब इतना घूमा है ना, लगभग एक थोड़ा सा मोड़ घूम जाता था, फिर दोबारा इतना लंबा चक्कर लेना पड़ रहा था हमको भाई, बहुत ज़्यादा घूम लिया हमने। तो एट द एंड कोई 2 से 3 घंटे लग गए हमको यहाँ पहुँचने में, ये नोएडा में है, नोएडा अपना यूपी में आता है, तो भाई यहाँ पहुँचते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इंस्पेक्शन चल रही है यहाँ पे, गाड़ी के इंस्पेक्शन होने के बाद ये हम गाड़ी यहीं पे छोड़ रहे हैं, और आज से 8 दिन हमको मिलने वाली नहीं है, तो हम अपने हेलमेट निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई इसी के सहारे हमने चलना है यहाँ पे ना। ये रहा एक आमिर भाई का, ये रहा एक, पकड़ते हैं आफू भाई का, वो तीसरी है
जिम जा रहे हैं करोल बाग, और यहाँ जाम बहुत ज्यादा लगता है भाई। ये नहीं बैठना था जिंदगी में, आपने कुछ नहीं किया इसमें, क्या नहीं किया? रिस्का अगर आप रिस्का में नहीं बैठे ना, ये रिस्का रिस्का देख रहे रिस्का वाला भैया, तो ये रिस्के वाले भैया है। तो यहाँ से शूट कर रहे हैं, एक वहाँ से शूट कर रहे हैं, और ये भाई हमारे यहाँ से शूट कर रहे हैं, यहाँ से आने भाई पांच कैमरे लगे हैं। क्या कह रहे हो? वैसे कट मारो एक टायर पे भाई, चाबी निकाल लो अगर क्या क्या। तो आमिर भाई ने ताक में किसकी चाबी निकाल लूँ ये देखो भैया बिल्कुल रेडी करी चाबी निकालने के लिए, आ ही नहीं रहा कोई डर के मारे। सब कुछ ठीक है, आप बिना मास्क के आप दिख जाओ ना, खाली गलती से आप ऐसे कर लो ना चलान कट गया आपका। हम पहुंच गए डेविल किंग, तो ये रहे भैया डेविल किंग अपने, लंबारी से उतरे हम सब जा सर। चेक कर रहे हैं सारे सुपर बाइक एक ट्रायम्फ की लगी है भाई, चेक कर रहे हैं 600 आई इनको बहुत पसंद आ रही है। आमिर भाई क्या कहते हैं, कौन सी बाइक लेनी चाहिए? बनेली 600 आई मेरी फेवरेट। तो आमिर भाई तब से हमको रेड वाली या ब्लैक वाली दोनों में से एक लेने के लिए बोल रहे हैं, तो देखते हैं अभी चेक करते हैं, क्योंकि पहले तो आपको भाई लेंगे। हम ड्राइव करेंगे बनेली 600 आई वाई, एक नंबर बाइक बोलते हैं, 1050 लगी, ये भी काफ़ी सेक्सी बाइक है यार। तो निकलते हैं शोरूम से। ओ भाई साहब क्या, ओ वो देखो आफू भाई चला रहे हैं बेनेली 600 आई रेड कलर में, क्या बात है। पहली बार दिल्ली में बाइक ड्राइव कर रहा हूँ और पता नहीं आज क्या होने वाला है, उनका कोई पता नहीं वो कहाँ चलेगा भाई, हम रह गए पीछे भाई। बाइक राइड पहले हो शुरू होने से ही पहले हम रुक गए हैं, क्योंकि वो दिख नहीं रहे हमको कहाँ गए वो। इस मशीन को यहाँ भगाने का कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा यार, बस थोड़ी देर थोड़ा सा थ्रॉटल दिया तब तक फिर जाम लग जाता है यहाँ पे, देख तो नहीं रहे कहीं वो कहाँ। प्रिंस भाई हैं वो भी चले गए हैं, हम पीछे रह गए हैं, कुछ ऐसे जाम में फंस चुके हैं, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है उन तक पहुँचने में हमको। और भाई मज़ा तो आ रहा काफ़ी चलाने में, बस सीन ये है कि इसके नंबर प्लेट दोनों आगे पीछे में डेविल किंग लिखा है, और डॉक्यूमेंट हमारे पास है नहीं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको पहुँचने में उनके पास। कितना दूर है यहाँ से? हाँ ओहो ये देखो भाई कितना दूर है वो, ये देखो, अरे भाई साहब ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं हो गए? एक तो इस बाइक में हॉर्न नहीं है यार, ओह क्या बात है क्या बात है, मज़ा ही आ गया भाई इसको चलाने के। हाय 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 इसके पीछे डेविल किंग का वो लगा हुआ था स्टिकर, वो उतारना भूल गए थे, जिस वजह से हमको ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया यहाँ पे, और भाई चलान काट रहे थे, लेकिन ना इधर उधर करके हमने निकलवा दिया, हमने नहीं भैया ने निकलवा दिया इधर उधर करके, तो चलो कोई ना। और उस पर एग्जॉस्ट भी आफ्टर मार्केट लगे हुए, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया था। और जो बाकी अपने भाई लोग हैं वो चले गए हैं भाई मॉल में घूमने झूमने, तो हम वहाँ जा नहीं पाए और हम यहीं पर रह चुके हैं। तो अभी देखते हैं भाई आज क्या रहता है, कैसा मज़ा आता है। अभी हम चला रहे हैं एक सुपर थे भी ऊपर वाली स्कूटी जिसका मीटर अंदर धस चुका है, थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तो भाई साहब हमने अभी तक खजल रहे थे यहाँ पे, और लगभग 2-3 घंटे हमने वेट किया, उसके बाद जाके कहीं हमारे आमिर भाई और आपू भाई आ रहे हैं अभी, तो आए हैं मतलब अभी देखोगे जस्ट एंटर कर रहे थे, आवाज़ सुन रहे हो आवाज़ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, तो चलो उनसे मिलते हैं और देखते हैं क्या हुआ था सीन। तो भाई अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्लॉग बन नहीं पाया था पूरा, क्योंकि हमको पुलिस वालों ने रोक लिया। तो चलो अपना बाइक के प्राइस दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत मस्त मस्त सी बाइक रखी है हमारे प्रिंस भाई ने, तो प्रिंस भाई सबके प्राइस बताएंगे। फॉर दिस बाइक इज 8,50,000 ठीक है, और फॉर बेनेली वी आर रेड वन, बेनेली के लिए 3 मॉडल आपको मिल जाएंगे, एक आपको ब्लैक मिल जाएगी ठीक, और एक रेड, कितने की? 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, तीनों कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, रेड ब्लैक एंड व्हाइट, ऑल ओवर इंडिया फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल ठीक है, ठीक है, और बाकी टाइम मिल जाएगी उसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं, टाइम में भी इंजन वही रहेगा अपना, इंजन का मतलब जो पावर है वो बढ़ जाएगा, बट जैसे हम डेटोना में देखते हैं ना कि 3 सिलेंडर इंजन रहता है, तो टाइम ये 3 सिलेंडर इंजन में होगी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, 1000 cc का आपको इंजन मिल जाता है, साथ में 1000 cc की पावर मिल जाती है, ABS का साथ मिल जाता है, और जो भगाने में है बाइक तो बहुत अच्छी है ठीक है, और इसके अंदर एडिशनल स्कॉर्पियो भी लगा हुआ, वो भी अपने व्यूज को दिखा। भाई साहब ये रही ट्रायम्फ की 1050 ये स्कॉर्पियो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ एग्जॉस्ट टेलीकॉम, जैसे कि देख रहे हैं तो बेनेली अपना 600 cc में है, 600 आई है, हाँ जो ये रही बेनेली, ये 2014 मॉडल ना, हाँ जी, इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाते थे आपको, इस पर फोन चेक कर रहे
से बताना कैसी लगी आवाज़ आपको बताना। तो ये वाली मैं ड्राइव कर रहा था आज। जो भी क्वेरी होगी ना मैं आप भाई का नंबर भी दे दूंगा और इनका चैनल का लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि इनका एक यूट्यूब पे चैनल भी है, वो भी लिंक दे दूंगा, तो जाके वहाँ से भाई से डायरेक्ट पूछ सकते हो। भाई आज का ब्लॉग ना बहुत बेकार सा गया, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी। चुपकार भाई, बेकार नहीं गया, हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा गया, कुछ बोलना मत ब्लॉग के बारे में, गोली मार दूंगा तुझको। मेरा ब्लॉग भाई, मेरा आपका नहीं। क्या कर रहा है? तो राइट गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो टेढ़ा क्यों रखा सीधा रखा, ऊपर आने दे रहा मैं पहले बता रहा। तो गाइस आज के ब्लॉग में, तो राइट गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना, और डिसलाइक तुम अगर जितने मर्जी करो ना भाई, दिखना एक भी नहीं है, सरकार है अपनी। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले बाय, पीस आउट, स्टे ब्लेस्ड, बाय। तो होप करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को जाके लाइक करो। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी दासू वीडियो में, अगर दिल्ली पुलिस हमको नहीं किया तो मिलते हैं आपसे एक दासू सी वीडियो में।